झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे या नहीं, इस सस्पेंस से आखिरकार पर्दा हट ही गया। खुलासा हो ही गया कि चंपई सोरेन कहां जाएंगे और उनका अगला कदम क्या होने वाला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने खुद इसकी जानकारी दी है। दरअसल सोमवार 26 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे चंपई सोरेन राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। मुलाकात के दौरान उनके साथ असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। अमित शाह से मुलाकात की इन तस्वीरों को असम के सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर हिमंत बिस्व शर्मा ने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन जी ने कुछ देर पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। वो 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले ही असम के सीएम ने चंपई के बीजेपी में शामिल होने का इशारा कर दिया था। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि वो चाहते हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी में आए और बीजेपी की ताकत को दोगुना करें। चंपई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते हैं। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूँ आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। बता दें कि सोमवार को ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में बीजेपी में शामिल होने की खबरें गूंजने लगी थी, जिस पर चंपई सोरेन ने कहा था कि जल्द ही सारी रणनीति बताएंगे। क्या बीजेपी जाएंगे, बीजेपी ज्वाइन करने का प्लान है सर? नहीं 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 यार, अभी आप कुछ नहीं, चले चले चले, जरे बंद कर दो, चले बाद में बताएंगे, चले नहीं नहीं बाद में बताएंगे, चले। झारखंड चलिए ना मैडम। बताया जा रहा है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते कोल्हान रीजन में चंपई सोरेन की एक बड़ी रैली होगी, जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे। फिलहाल सबकी नजरें आने वाली 30 अगस्त पर बनी है, जिस दिन चंपई कमल का हाथ थामेंगे।